जहां देश के कोने कोने में प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं और प्रवासी मजदूरों का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं उधम सिंह नगर के केला खेड़ा थापक नागला के रहने वाले 11 प्रवासी मजदूर हरियाणा के रेवाड़ी जिले में फंसे हैं, जिन्होंने एक वीडियो बनाकर वायरल कर उत्तराखंड सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वीडियो में भोजन आदि की समस्या होने के बारे में बताते हुए जल्द से जल्द घर वापसी की व्यवस्था करने की मांग की है। बाटपुर थापक नागला के 11 लोग मार्च माह में ही हरियाणा के रेवाड़ी जनपद में मजदूरी का काम करने गए थे। काम खत्म कर लौटने की तैयारी में थे कि लॉकडाउन के चलते बाहर निकलना मुश्किल हो गया। ऐसे में जितना राशन था समय के साथ खत्म हो गया, दाने दाने को मोहताज हो गए। महिला समेत 11 लोग किसी तरह दिन काट रहे हैं। ऐसे हालात में वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाने के अलावा इनके पास और कोई चारा नजर नहीं आया। वायरल वीडियो में वहाँ से किसी भी सूरत में निकालने की मांग की है। भाई उधर गया मेरा आदमी गया, ये बड़े परेशान है यहाँ से, ये कोई भी नहीं कमाने वाला है, कहाँ से खाएं हम, वो भी उधर फंस गए हैं। वो गए थे काम करने, गए थे मजबूरी करने, यहाँ से आए नहीं है, 3 महीने हो गए। हम भी यहाँ से कहाँ खाएं, बच्चे को कहाँ खिलाएं, मैं ऐसे सरों काटने हरियाणा। जब सब कुछ बंद हो गया था मेरे पापा वहीं फंस गए हैं, 3 महीने हो गए हैं वो वहीं फंस गए हैं, घर पे कोई कमाने वाला है नहीं, इसलिए हम 3 जने हैं, छोटा भाई है, तो खाना